जबलपुर के कलेक्टर बने इलैयाराजा को कुर्सी के साथ 68,000 रुपयों का कर्ज भी मिला है। दरअसल कलेक्टर बंगले का कनेक्शन अब भी पूर्व कलेक्टर भारत यादव के नाम पर है। ट्रांसफर से पहले उन्होंने बिजली के बिल का पेमेंट कर दिया था। इसके बाद जिले की कमान संभालने वाले कर्मवीर शर्मा ने कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं करवाए। 68,000 रुपए का बिल बकाया छोड़कर वो चलते बने। जिले के कलेक्टर होने के नाते नियम कायदा अपनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कर्मवीर शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल में नियम कायदे अपने हिसाब से चलाते रहे। वहीं बंगले में रहते हुए उन्होंने बिजली तो खूब खर्च किया, लेकिन जेब से बिल के पैसे नहीं निकाले। 2 महीने पहले बकाया बिजली बिल के मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने आनन फानन में 41,000 जमा करा दिए। इसके बाद फिर भूल गए। वहीं मार्च का बंगले का जो बिल आया है उसमें 4,000 रुपए मौजूदा और 68,000 रुपए पुराना बकाया दर्शाया गया है। बिजली विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक कलेक्टर जबलपुर का बंगले का बिजली का बिल आखिरी बार दिसंबर 2021 में 41,000 रुपए जमा हुआ था। इससे पहले दिसंबर 2019 में 15,285 रुपए जमा हुए थे और 2 साल में महज 41,000 रुपए ही जमा हुए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जिले से ट्रांसफर होकर तो गए, लेकिन 68,000 रुपए का बकाया बिल छोड़कर चले गए। मार्च में 4,000 बिल और जुड़ गया। अब 72,000 रुपयों का बिल है। वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के चलते बिजली विभाग भी बकाया बिल जमा कराने की जुगत में है, लेकिन मामला जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया से जुड़ा है और इस कारण वो भी कनेक्शन नहीं काट पा रहा। वही नियम के अनुसार शासन की ओर से कलेक्टर को बंगला अलॉट किया जाता है। बिजली कनेक्शन के लिए उनके नाम का मीटर लगता है। जब तक कलेक्टर उस जिले में पदस्थ रहते हैं उनके नाम पर बिल आता है, पर कलेक्टर भरत यादव के ट्रांसफर के बाद इनका पालन नहीं हुआ। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा पूरे कार्यकाल के दौरान अपने नाम का मीटर नहीं लगवाए। अब उनके जाने के बाद नए कलेक्टर इलैयाराजा के नाम पर भी कनेक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ।